WTC फाइनल में नाक कटाने के बाद BCCI बहुत बड़ा कदम उठाएगी। टेस्ट फॉर्मेट से हमेशा के लिए रोहित शर्मा की कप्तानी जाएगी। इन चार में से किसी एक के कंधों पर टीम इंडिया की जिम्मेदारी आएगी। अब इस कप्तान के ही नेतृत्व में टीम इंडिया टेस्ट वर्ल्ड कप जीत पाएगी। जी, WTC फाइनल में ऑस्ट्रेलिया के हाथों 209 रनों की शर्मनाक और करारी हार के बाद अब BCCI टीम इंडिया से बहुत नाराज बताई जा रही है और खबर सामने आ रही है कि BCCI बहुत बड़ा कदम उठाने जा रही है। इस खबर के मुताबिक रोहित शर्मा की कप्तानी टेस्ट फॉर्मेट से हमेशा हमेशा के लिए जाने वाली है और किसी एक युवा के कंधों पर टीम इंडिया की जिम्मेदारी आने वाली है। रोहित शर्मा जो कि लगभग 35 साल के पूरे हो चुके हैं और उनके रिफ्लेक्सेस भी अब उस तरीके से नहीं रहते जैसे कि इंटरनेशनल क्रिकेट में होने चाहिए, इसलिए खबर सामने आ रही है कि रोहित शर्मा से टेस्ट की कप्तानी छीनी जाएगी और किसी दूसरे कप्तान के कंधों पर यह जिम्मेदारी सौंपी जाएगी। रोहित शर्मा जिनका बल्ला भी आजकल खामोश चल रहा है और उनके कप्तानी के फैसलों से भी टीम इंडिया को हार ही नसीब हो रही है। खास तौर पर WTC फाइनल में अश्विन को ना खिलाने का फैसला ब्लंडर साबित हो गया। यहां तक कि क्रिकेट के भगवान सचिन तेंदुलकर ने भी रोहित शर्मा के उस फैसले पर सीधे सीधे सवाल खड़े किए। सचिन तेंदुलकर ने कहा कि ऑस्ट्रेलिया के 5-5 खिलाड़ी लेफ्ट हैंडर थे और अश्विन लेफ्ट हैंडर्स के लिए काल माने जाते हैं, उसके बावजूद अश्विन को न खिलाने का फैसला मेरी समझ से परे है। शायद यही फैसला टीम इंडिया को WTC फाइनल हरवा गया। यानी कि रोहित शर्मा ऐसे ही फैसले लेते रहते हैं, इसी वजह से टीम इंडिया उनकी कप्तानी में एशिया कप हार चुकी है, T20 वर्ल्ड कप हार चुकी है और अब WTC फाइनल भी हार गई। इसी वजह से खबर सामने आ रही है कि BCCI अब कप्तान बदलने के मूड में है। ऐसे में अगर रोहित शर्मा की कप्तानी जाती है तो कौन कौन से खिलाड़ी हैं जिनके कंधों पर ये जिम्मेदारी आ सकती है, चलिए आपको एक एक करके उनसे रूबरू करवाते हैं। इस लिस्ट में सबसे पहला नाम है अजिंक्य रहाणे का। जी, ये नाम सुनकर आप जरूर थोड़ा चौंक गए होंगे लेकिन ये सही है। अजिंक्य रहाणे की कप्तानी में अभी तक टीम इंडिया टेस्ट में अजय है। उनकी कप्तानी में आज तक इंडिया हारी नहीं है। यहाँ तक कि अजिंक्य रहाणे ने टीम इंडिया को उस मौके पर ऑस्ट्रेलिया की धरती पर टेस्ट सीरीज जिताई है जब टीम इंडिया के 10 से ज्यादा खिलाड़ी चोटिल होकर वापस हिंदुस्तान लौट आए थे और एक युवा टीम के साथ अजिंक्य रहाणे ने मजबूत ऑस्ट्रेलिया को उसी के घर में 2-1 से रौंद दिया था। अजिंक्य रहाणे की बल्लेबाजी उनकी कप्तानी में और ज्यादा निखर जाती है और जैसे ही पहले टेस्ट मैच में टीम इंडिया 36 पर ऑल आउट हुई थी, उसके ठीक अगले ही मैच में जब अजिंक्य रहाणे को कप्तानी मिली थी, उन्होंने मेलबर्न में शतक जड़ दिया था और टीम इंडिया को शानदार जीत दिलाई थी। यानी कि अजिंक्य रहाणे की कप्तानी भी शानदार रहती है और उनकी कप्तानी में उनकी बल्लेबाजी भी शानदार रहती है जो कि रोहित शर्मा के साथ नहीं होता। इसी वजह से अजिंक्य रहाणे को सबसे पहले टेस्ट की कप्तानी मिल सकती है क्योंकि उनके पास एक्सपीरियंस भी है। इसके बाद नंबर 2 पर है KL राहुल। हालांकि KL राहुल अभी चोटिल हैं लेकिन ये माना जा रहा है कि KL राहुल का भी टेस्ट करियर 4-5 साल लंबा है। हालांकि KL राहुल टीम इंडिया के लिए 2014 से ही टेस्ट मैच खेल रहे हैं लेकिन अभी ये माना जा रहा है कि KL राहुल के अंदर वो कुव्वत है कि वो टीम इंडिया को अपनी कप्तानी में शानदार जीत दिला सकते हैं और क्योंकि वो टेस्ट के परमानेंट मेंबर हैं, ऐसे में KL राहुल को भी कप्तानी के लिए जिम्मेदार ठहराया जा सकता है और उनको एक विकल्प के तौर पर माना जा सकता है। इसके बाद अगला नाम है रविंद्र जडेजा का। टीम इंडिया के लिए शानदार प्रदर्शन करने वाले और टेस्ट के नंबर 1 ऑलराउंडर रविंद्र जडेजा बल्लेबाजी भी बखूबी जानते हैं, गेंदबाजी भी शानदार करते हैं, उनको दोनों का अनुभव है। ऐसे में ऐसा खिलाड़ी टीम इंडिया की कमान जरूर संभाल सकता है और क्योंकि रविंद्र जडेजा अभी युवा है, उनका कम से कम 3-4 साल का टेस्ट करियर बाकी है, ऐसे में ये माना जा रहा है कि रविंद्र जडेजा के कंधों पर टीम इंडिया की जिम्मेदारी सौंपी जा सकती है। अगर जडेजा तैयार हुए तो उनसे अच्छा विकल्प टीम इंडिया को शायद ही मिलेगा क्योंकि रविंद्र जडेजा तीनों फॉर्मेट के परमानेंट प्लेयर है, इस वजह से उनके ऊपर ये जिम्मेदारी सौंपी जा सकती है। रविंद्र जडेजा के बाद नंबर आता है चेतेश्वर पुजारा का। जी हाँ, इस टीम में चौथा नाम है चेतेश्वर पुजारा का जो कि रोहित शर्मा और विराट कोहली के बाद इस टीम के सबसे सीनियर खिलाड़ी हैं। 100 से भी ज्यादा टेस्ट मैच खेल चुके चेतेश्वर पुजारा का रिकॉर्ड बहुत शानदार रहा है। ऐसे में अगर रोहित शर्मा की जगह किसी को कप्तान बनाया जा सकता है तो उस टीम में चेतेश्वर पुजारा का भी नाम शामिल है क्योंकि उन्हें रोहित शर्मा से ज्यादा एक्सपीरियंस भी है और साथ ही साथ उनका टेस्ट करियर अभी 2-3 साल लंबा माना जा रहा है। खास तौर पर चेतेश्वर पुजारा काउंटी क्रिकेट खेलते रहते हैं इसलिए उनकी फिटनेस रोहित शर्मा से बेहतर है, इसलिए माना जा रहा है कि अगर अजिंक्य रहाणे, KL राहुल या जडेजा में से किसी को कप्तान नहीं बनाया गया तो पुजारा को बनाया जा सकता है। ऐसे में यही वो चार नाम है जिन्हें रोहित शर्मा की जगह पर जिम्मेदारी मिल सकती है और अगर इनमें से अजिंक्य रहाणे को जिम्मेदारी मिल गई तो तय मानिए कि टीम इंडिया उनके नेतृत्व में अगला वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप जरूर जीत सकती है।
ऐसे में इस बारे में आपकी क्या राय है, आपको क्या लगता है, क्या रोहित शर्मा को कप्तान बने रहने देना चाहिए या फिर उनकी जगह पर किसी और को कप्तान बनाना चाहिए। जो भी आपकी राय हो कमेंट करके जरूर बताएं और इस वीडियो को ज्यादा ज्यादा शेयर करें। यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो करना बिल्कुल मत भूलिएगा।